देखो बेटा, अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है लिंग्वेज। लिंकेज नाम सुन के, वैसे स्कूल में तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो आप लोग बता ही दोगे। लिंकेज का मतलब होता है जब दो चीजें आपस में लिंक रह रही होती हैं। तो अगर हम लिंकेज की बात करें, जैसे कि आप लोगों को याद है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, हमने बोला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट मेरे पास मिले थे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। और हमारे पास एक ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल मिला था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। लिंकेज किसका एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है लिंकेज? कोई मुझसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस का पूछेगा तो हम डायरेक्टली आंसर देंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लिंकेज भी एक किसी एक चीज का एक्सेप्शन है। लिंकेज दो चीजें लिंक रहेंगी और साथ ही इंडिपेंडेंट साथ असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वेरी गुड, लिखो इसको। लिंकेज इज द, नहीं पहले ऐसे लिखो, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सोच असॉर्टमेंट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। अगर ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है तो भाई ऐसा क्या है इसके अंदर? इट होल्ड्स गुड ओनली फॉर दी कैरेक्टर्स जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स, या फिर डिफरेंट क्रोमोजोम्स को हम कभी कभी नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स भी बोल देते हैं। देखो इस डेफिनेशन को फिर समझाती हूँ, उसका मतलब क्या। हो गया मैम, मैम हो गया। अब देख, हो गया ये भी एक क्रोमोसोम है, ये कितने क्रोमोसोम है? दो एक मैम, दो। कितने हैं मैम? दो मैम, पहले वाला एक है, दूसरे वाला दो है। दो है? अरे दोनों एक एक ही है। मैम, हाँ एक ही है दोनों क्रोमेटिड क्रोमेटेड अलग है। है, दो क्रोमेटेड। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स बढ़ गई सिर्फ यस अटैच मैम, एक सिंगल सेंट्रोमियर से ही है ना, अटैच यस मैम, यस मैम। से एक ही सेंट्रोमियर से, तो भाई क्रोमोसोम एक ही है ये। अब सपोज करो मेरे पास इस वाले क्रोमोसोम को भी भूल जाओ, इस वाले क्रोमोसोम में एक जीन यहां बैठा है, एक जीन यहां बैठा है। मैंने जीन्स को दो दो से दिखाया बिकॉज जीन्स पेयर में होते हैं, एलिलिक होते हैं, यस। फॉर्म। सपोज करते हैं मेरे पास ये एक जीन है, इसको भी ऐसे कंसीडर करो, चलो एक जगह पे दो जीन है। ये वाला जीन है मेरे पास जीन फॉर हेयर कलर, एंड दिस इज द जीन फॉर आई कलर, जीन फॉर हेयर कलर एंड जीन फॉर आई कलर। अब क्या होगा, हमें पता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये सेग्रीगेट होगा, यस मैम,
सेग्रीगेट होने के टाइम पे क्या होगा हमारे पास, ऐसे आ जाएगा ये, ऐसे बन जाएगा। जो हेयर कलर का जीन था वो अभी भी यहीं पे है, आई कलर का जीन अभी भी यहीं पे है, इसमें भी हेयर कलर का जीन है, ये एक आई कलर का जीन है। अब डिफरेंस क्या है, लिंकेज का मतलब ऐसे समझो, बिल्कुल आप लोगों को भी ये चीज पता होगी, आप स्कूल्स में क्या होता है ना, हमेशा दो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, मतलब आप लोगों के एग्जाम्पल भी होगा आप लोगों के पास, जो हमेशा साथ रहता है, दो फ्रेंड्स, दो से ज्यादा, सब कभी देखा है जनरली तीन फ्रेंड्स का ग्रुप हो, ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड कंसीडर करता है वो सिर्फ एक ही होता है। आप लोगों का भी एक ही बेस्ट फ्रेंड होगा जिसके साथ आप स्कूल के बाद कैंटीन जाते होंगे, लाइब्रेरी जा रहे होंगे, या उसकी बर्थडे पार्टी में जाते होंगे, है ना, सबका एक एक ऐसा फ्रेंड। नो मैम, नो मैम, नो मैम, ना कोई फ्रेंड नहीं है ऐसा मैम, पूरी क्लास ही फ्रेंड है ना। अरे वाह, बड़े सीधे बच्चे हो आप लोग तो। चलो फिर तो एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर हम लोग, कि यहाँ पे भाई हमारे पास एग्जाम्पल है साक्षी, साक्षी का एक बेस्ट फ्रेंड है, साक्षी के पास दो फ्रेंड्स है, सपोज करता है साक्षी की एक फ्रेंड है मनीषा, और एक और फ्रेंड कौन है यहाँ पे, अर्चना, ठीक है। साक्षी और मनीषा के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, साक्षी और मनीषा के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसका मतलब साक्षी और मनीषा क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है। लेकिन साक्षी और अर्चना के बीच में थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सिर्फ फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स। ये हमारे पास सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो जहां भी जाएंगे साक्षी और मनीषा हमेशा साथ साथ जाना सोचेंगे, नहीं सोचेंगे कि भाई मैं तो हमेशा साक्षी मनीषा के साथ जाएगी, मनीषा साक्षी के साथ जाएगी, तो मैं बोल सकती हूँ साक्षी और मनीषा बोथ आर लिंक्ड टुगेदर, यस, सिंपल वे में समझा रही हूँ, वो क्रोमोसोम वाला कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दो, ठीक है, दोनों की दोनों लिंक है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कितनी पॉसिबिलिटी है कि साक्षी मनीषा को छोड़ के किसी दूसरे फ्रेंड के साथ पेयरिंग बनाए या किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाए, नया कॉम्बिनेशन बनाने की पॉसिबिलिटी कम है या ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन कम है, भी कम है, ठीक है। इसके साथ साथ जब हमारे पास डिस्टेंस कम है, रिकॉम्बिनेशन कम है, और लिंकेज क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, इसी का जस्ट अपोजिट लिख लो, साक्षी और अर्चना के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है और लिंकेज, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि साक्षी अर्चना को छोड़ के किसी और के साथ जा सकती है, नया कॉम्बिनेशन बना सकती है, मतलब रिकॉम्बिनेशन मोर देन लिंकेज, लेस लिंकेज। इस कॉन्सेप्ट को लिख लो, बहुत काम आएगा ये। मैम हो गया मैम, मैम वेट हो गया, क्लियरली विजिबल है ना आप लोगों को, अच्छे जो मैं लिख रही हूँ, स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत तो नहीं है ना ज्यादा, नो मैम, ठीक है लिख लो जल्दी से।
मैम? यस मैम। अब इधर आ जाओ क्रोमोसोम पे। तो मैंने क्रोमोसोम पे बोला था आपको कि भाई जो जीन्स है हेयर कलर का और आई कलर का जीन, दोनों के दोनों सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, एक सेम क्रोमेटिड के ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना हेयर कलर और आई कलर का जीन दोनों के दोनों साथ ही जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में भी, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो इसका मतलब इसी को अगर मैं एक डेफिनेशन बना के लिखूं कि दिस टेंडेंसी ऑफ जीन प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम टू स्टे टुगेदर इन हेरिडिटी ट्रांसमिशन। दिस टेंडेंसी इज नोन एज लिंकेज। लिंकेज क्या बेटा? हेरिडिटी हेरिडिटरी ट्रांसमिशन मैम, मतलब जीन्स ट्रांसफर हो रहे तब की बात है ना मैम। जब जीन्स ट्रांसफर हो रहे तो ये बोल रहे कि भाई अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, सेम क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स बहुत टाइटली लिंक्ड हैं, दो जीन्स प्रेजेंट है, तो उनकी पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में साथ साथ ही जाएंगे। इसका एग्जांपल अभी मेंडल के एक्सपेरिमेंट से समझाती हूँ आपको दोबारा से। एग्जाम्पल लो, राउंड और रिंकल्ड। राउंड टॉल, एक राउंड टॉल पेरेंट है, ठीक है, एक है मेरे पास रिंकल्ड ड्वार्फ। तो जब आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेरे पास 9:3:3:1 है। और इस रेशो के अंदर मेरे पास राउंड टॉल भी थे, है ना, राउंड ड्वार्फ भी थे और रिंकल्ड ड्वार्फ। चारों केसेस आए थे। अगर मैं इन चार केसेस में देखूं, मेरे पास ये वाला केस और मेरे पास ये वाला केस, इन दोनों केसेस को मैं क्या कंसीडर करती हूँ, कैसे केस है, पेरेंटल है ना, पेरेंटल में पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और ये जो दो बने दीज आर द रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट क्यों बने, क्यों मेरे पास राउंड का जीन ड्वार्फ के साथ चला गया, जबकि पेरेंट्स के अंदर क्या था, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर यहाँ पे राउंड का जीन है, यहाँ पे टॉल का, यहाँ पे रिंकल्ड का है, यहाँ पे ड्वार्फ का है। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई हमारे पास राउंड जो है वो उठ के ड्वार्फ के पास चला गया? इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन बने तो राउंड और ड्वार्फ जो थे वो दोनों के दोनों अपने, मतलब राउंड और टॉल का जो जीन्स थे, इन दोनों के बीच में क्या थी, डिस्टेंस ज्यादा थी, डिफरेंट क्रोमोसोम,
राउंड और टॉल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा थी, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन बन गए। अब ये रिकॉम्बिनेशन बनते कैसे हैं, आप लोगों ने 11th क्लास में मियोसिस पढ़ा होगा। मियोसिस के अंदर प्रोफेज वन में एक स्टेज होती है, लीजा जरा पानी दे दो, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि हमारे पास एक स्टेज ऐसी आती थी जिसमें मेरे पास चायस्मेटा बनता था। यस मैम, बनता था। अब उसको अगर आप लोगों ने उसका थोड़ा सा भी एनिमेशन आप लोगों को याद हो तो उसके अंदर क्या होता था मेरे पास, ये क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम है ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, इस जीन में एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये वाली आर्म तो निकल के यहाँ चली जाएगी और ये वाली आर्म निकल के यहाँ आ जाएगी। तो इसका मतलब मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ब्लू ग्रीन ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते थे, क्रॉसिंग ओवर ना, क्रॉसिंग ओवर। तो इसका मतलब जो ये रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, वो किस प्रोसेस की वजह से बनता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो मोर मोर द क्रॉसिंग ओवर, मोर विल बी द रिकॉम्बिनेंट। यस यस मैम। एंड मोर विल बी द रिकॉम्बिनेंट, देन लिंकेज क्या होगा, ज्यादा कम हो गया, लेस हो गया, लेस, मोर लिंकेज कम होगा। हाँ एग्जैक्टली, तो इसका मतलब मोर लिंकेज इट मींस लेस क्रॉसिंग ओवर, लेस रिकॉम्बिनेशन, लेस लिंकेज, मोर क्रॉसिंग ओवर। देखो जरा ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बनेंगे इसमें ये पूरा तो हम लोगों ने पढ़ाई है तब। मैम थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दीजिए, कहाँ पे दिखाना है मैम, ये यही वाला, मैम से थोड़ा जूम कर दीजिए। फोन की स्क्रीन को भी जूम कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा अपने जूम चाहिए ना, तो स्क्रीन को भी जूम करके देखो आपको दिख जाएगा। मैम हो गया, हो गया सबका? नो मैम। हो गया मैम। अब एक क्वेश्चन, जब हमारा लिंकेज प्रोसेस है, मतलब जो हमारे जीन्स होते हैं वो लिंक्ड हो सकते हैं, तो मेंडल हमारा लिंकेज के प्रोसेस को क्यों नहीं बता पाए थे? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, हमारे मेंडल साइंटिस्ट लिंकेज के प्रोसेस को क्यों नहीं बता पाए थे? Why Mendel missed linkage? मैम because मैम उन्होंने external characters को study करा था। नहीं। मैम extreme characters को मैम genes का पता नहीं होगा। मैम chromosome का पता नहीं होगा। पता था क्रोमोसोम्स भी उनको, मैम मियोसिस पता नहीं होगी, मियोसिस भी बता दी मैम, दो जीन्स पे किया होगा।
सोचो पहुंच जाओगे रिजल्ट्स तक। मेंटल के उसमें तो लिंकेज तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो कर रहे थे उसके कैरेक्टर्स। देखो मेंडल हमारा लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बता पाए थे, क्योंकि मेंडल ने सिर्फ 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में पढ़ा था, और वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कितने क्रोमोसोम्स के ऊपर लाई करते थे, फोर फोर क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो उनके सामने मतलब उन्होंने जो 4 कैरेक्टर्स या 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स थे ना, उन्होंने जितने भी क्रॉस कराए वो बाय चांस सारे के सारे क्रॉस कौन से जीन्स के साथ हुए, नॉन लिंक्ड जीन के साथ क्रॉस हुए, नॉन लिंक्ड जीन्स के साथ बाय चांस। लेकिन अगर वो क्या करते 7 के 7 कैरेक्टर्स के, क्योंकि उन्होंने उन्होंने 7 साल जरूर लगाए अपने एक्सपेरिमेंट में, बट उन्होंने ना सारे प्लांट्स को एक साथ क्रॉस करा के नहीं देखा। मतलब कि अगर आप देखोगे जनरली क्या उन्होंने इन्फ्लेटेड और राउंड राउंड मतलब सीड की शेप और इन्फ्लेटेड पोड की शेप, इन दोनों का क्रॉस करा के देखा? नहीं नहीं करा के देखा। इसके अलावा जो हमारी प्लांट की हाइट है और जो हमारी पोड की शेप है, अब उन्होंने उसका भी क्रॉस नहीं करा के देखा। तो अगर वो उसका क्रॉस करा के देखते तो उनको लिंकेज दिखाई देता, क्योंकि हमारी प्लांट की हाइट और पोड की शेप के जो जीन्स है वो लिंक्ड जीन्स है, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अगर वो एक्सपेरिमेंट करते उनको लिंकेज मिलता, उन्होंने किया ही नहीं एक्सपेरिमेंट इसलिए उनको लिंकेज नहीं मिला। मैम, उन्होंने मतलब हर बार वो कैरेक्टर इंक्लूड करे बाय चांस भी अलग अलग क्रोमोसोम पर। बाय चांस उन्होंने सारे वो कैरेक्टर्स का क्रॉस करा लिए जो नॉन लिंक्ड थे क्या? ओके इसका आंसर कैसे लिखोगे फिर? आंसर ऐसे ही लिख लोगे ना कि मेंडल कुड नॉट फाइंड लिंकेज बिकॉज द 7 कैरेक्टर्स दैट ही स्टडीड इन गार्डन पी प्लांट वर लोकेटेड ऑन 4 क्रोमोसोम्स एंड मोस्टली ऑल द जीन्स ऑफ दोज 7 कैरेक्टर्स वर मैम, लोकेटेड। थोड़ा धीरे धीरे बोल दो। अच्छा, मैं सिर्फ बता रही थी कि आप खुद से लिख लो, मैं लिखवाई देती हूँ आंसर, क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन, इवन आपको पता भी होना चाहिए। लिखो भाई मेंडल मिस्ड लिंकेज।
इसी के नीचे नोट डाल के लिख लेना एक लाइन। डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स क्या डिटरमाइन करेगी? डिटरमाइन द लिंकेज स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। और अगर आपसे कोई पूछे लिंकेज किसने सबसे पहले स्टडी किया था, डिस्कवर किया था? वेटसन। और कौन से प्लांट के अंदर? स्वीट पी के अंदर। और फिर सबसे पहले डिस्कवर तो हमारे वेटसन ने किया था, लेकिन इसकी फर्दर जो डिस्कवरीज थी वो हमारे मॉर्गन ने की थी इन 1910, वो भी किसके ऊपर? ड्रोसोफिला के ऊपर। इसका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, वो समझाऊंगी आप लोगों को। ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। पहले वेटसन ने की, फिर उसके बाद फर्दर उसको कंटिन्यू किया, आगे लेके गए मॉर्गन। देन मैम मैम एक बार वो एग्जांपल दिखा दी। मैम ड्रोसोफिला या प्रोसोफिला? ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर है। ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर। मिलानोगेस्टर MELANOGASTER। ठीक है, तो इन्होंने सारी की सारी यही कहानी यहाँ पे भी लिखी हुई है पूरी, कि मेंडल्स ने हमारा कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किया था। वही तीन साइंटिस्ट वाला जो मैं आपको बताया था ना, रीडिस्कवर किया था ह्यूगो डी व्रीज, कॉरल एंड वॉन टस्टेमार, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को रीडिस्कवर किया था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका, मैंने आपको पढ़ाया था क्रोमोसोमल थ्योरी, पैरेललिज्म जीन के बीच में और क्रोमोसोम और फैक्टर के बीच में क्या पैरेललिज्म है, किसने दिया था? सटन एंड बॉबरी ने दिया था ये हमारा। इन्होंने क्या बताया था? बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज्ड क्रोमोसोमल मूवमेंट, ये हम लोगों को बताइए। इसमें कुछ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इन डायग्राम्स पे भी आप लोग देखना कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी भी। जो मैंने आप लोगों को क्रोमोसोम्स वाला बताया ना, उसी को समझाया हुआ है उन्होंने भी कि कैसे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। इसको भी आप छोड़ सकते हो यहाँ पे। यही जो मैंने आपको मेलानोगेस्टर वाला भी लिखा है, ये रहा एक्सपेरिमेंट, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। किसने दिया था? मॉर्गन ने वर्क किया था, टीनी फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, जहां पे वेयर वी फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि हमारे मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने लिंकेज के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर का ही यूज क्यों किया था? रीजन वो देख लो, क्योंकि इनको किसी भी इजी से इनकी लाइफ स्पैन भी कम होती है, इनको किसी भी मीडियम में हम ग्रो करा सकते हैं, एक सिंगल मैटिंग से ही लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज मिलती है, तो इसका मतलब सैम्पलिंग साइज मेरे पास ज्यादा होगा, मेल और फीमेल के बीच में इजिली डिस्टिंग्विशेबल है, ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन जिनको हम लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी में हाईलाइट करना चाहो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, जैसे हम लोग उसमें पढ़ते ना गार्डन पी को ही क्यों लिया था हमारे मेंडल ने, ऐसे ही यहाँ पे पढ़ते मॉर्गन उसके क्लियर कट ट्रेट्स थे। हाँ, ऐसे ही इसके अंदर है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया था,
उसकी जगह और किसी को भी ले सकते थे, उसके रीजन है, हाईलाइट कर लो अपने एन सी आर टी में। कर लिया मैम। सटन एंड बोवरी ने क्या दिया था, पैरेललिज्म थ्योरी दी थी, है ना, ये हो गया। ये आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के ऊपर आ गया है पूरा का पूरा, कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में कैसे कैसे हम लोग कराते हैं। इससे पहले आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता है, ये वाले एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ। अब इस एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन है मेरा कि एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट कराया था, किसने कराया था एक्सपेरिमेंट? मॉर्गन ने कराया था मैम। मॉर्गन क्यों कराया था मॉर्गन ने, उसके पीछे का रीजन मैम? लिंकेज की स्ट्रेंथ, लिंकेज की स्ट्रेंथ, लिंकेज की स्ट्रेंथ, मतलब लिंकेज को ही ये फाइंड करना चाहते थे। एग्जैक्टली, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो हम बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, वो मॉर्गन होता है ना मैम। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला के ऊपर, थोड़ा सा लिख लो पहले। ड्रोसोफिला के अंदर इन्होंने तीन कैरेक्टर्स लिए। पहला कैरेक्टर लिया इन्होंने उनकी बॉडी का कलर, सेकेंड कैरेक्टर लिया उनका आई कलर, थर्ड कैरेक्टर लिया उन्होंने उनके विंग्स। इसमें डोमिनेंट कौन था और रिसेसिव कौन था, इससे पहले वो लिखना आप लोग। उन्होंने ड्रोसोफिला मेनिनजेंगा गैस्ट्रा क्यों यूज किया, अगर लिखोगे तो, अनलेस एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना। बॉडी कलर में डोमिनेंट कलर था ब्राउन, और ब्राउन कलर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया वाइट प्लस से। अब ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट समझो, मेंडल ने डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया था और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से, लेकिन मॉर्गन ने ऐसा नहीं किया। मॉर्गन ने डोमिनेंट को भी स्मॉल लेटर से किया, बस उसके ऊपर प्लस का सिंबल लगा दिया, और रिसेसिव को सिर्फ स्मॉल लेटर, नहीं स्मॉल लेटर से, डोमिनेंट वाले में सिर्फ प्लस लगा दिया। आई कलर में रेड कलर होता है, इसको डब्ल्यू प्लस से रिप्रेजेंट किया, वाइट इसको सिर्फ डब्ल्यू से, विंग्स नॉर्मल विंग्स इसको एम प्लस से, और मिनिएचर लिखो इसको जल्दी से। हो गया मैम। अब आ जाओ एनसीईआरटी के डायग्राम पे। अब देखो हमारी इन्होंने क्या किया, दो क्रॉसेस कराए। पहले हम समझेंगे क्रॉस ए, ये सिंबल किसका होता है, मेल या फीमेल? फीमेल का, फीमेल, फीमेल का। एंड ये हमारे पास मेल, मेल का। तो अब आप देख रहे हो वाई और डब्ल्यू, वाई किसका सिंबल है, ब्राउन कलर, येलो का, एंड वाई प्लस ब्राउन, ब्राउन का, ब्राउन। डब्ल्यू किसका है, वाइट आई, और डब्ल्यू प्लस रेड आई। तो इसका मतलब जो फीमेल है उसके पास सारे कैसे कैरेक्टर है, और इसके पास डोमिनेंट है, ठीक है, ये हुआ डोमिनेंट। हाँ ठीक है, डोमिनेंट है ना बेटा ब्राउन और रेड। तो इसने क्या किया कि हमारे पास मेल के पास कैरेक्टर थे ये, फीमेल के पास ये कैरेक्टर थे। फिर जब हमारे पास नए ऑफस्प्रिंग्स बन के आए, ऑफस्प्रिंग्स में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे F1 जनरेशन में Y W आपको मिल रहा है और Y प्लस W प्लस मिल रहा है, यहाँ पे Y W मिल रहा है एक आपको। तो इसका मतलब आगे जाके अगर आप इसका परसेंटेज देखे तो परसेंटेज से मेरे को क्या पता चल रहा है, परसेंटेज की भाई जो पैरेंटल टाइम, मतलब जैसे पेरेंट्स थे, पेरेंट्स में फीमेल रिसेसिव थी और मेल डोमिनेंट था, फिर लेकिन पेरेंट के अंदर क्या क्या थे, एक येलो व्हाइट था और एक ब्राउन और रेड था। यहाँ पे भी आप केस देख रहे हो, येल्लो व्हाइट ब्राउन रेड और येल्लो व्हाइट, वही केस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट कोई नया कॉम्बिनेशन तो नहीं मिल रहा? नो मैम, कहीं पे येलो रेड मिल रहा है क्या मेरे को, येलो, नो मैम, येलो रेड या ब्राउन व्हाइट नहीं मिल रहा है, तो मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं है बिल्कुल भी? नो मैम,
इसका मतलब यहाँ पे पेरेंटल ज्यादा है, तो पेरेंटल का परसेंटेज इन्होंने बताया कि इस केस में मेरे पास 98.7% पेरेंटल टाइप मिले, और रिकॉम्बिनेशन वाले थे वो सिर्फ 1.3% थे, जो कि इनको इस वाली जनरेशन में जाके देखने के लिए मिले। ये देखो, ये तो हमारा पेरेंटल है, ये भी हमारा पेरेंटल है, ये दो हमें मिले सिर्फ रिकॉम्बिनेंट, और ये परसेंटेज कितना था, सिर्फ 1.3% का। एग्जाम में पूरा चार्ट बनाने के लिए नहीं आएगा, कुछ बनाने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पे क्वेश्चन आएगा। मैम ये F1 जनरेशन में परसेंटेज है, ये F1 जनरेशन का परसेंटेज, ठीक है। अब देखो F1 जनरेशन के अंदर जब इन्होंने गैमेट्स बनवाए, तब हमारे पास क्या आया, नए रिकॉम्बिनेशंस बन गया है, सिर्फ 1.3%। अच्छा, 1.3% बन गया है, इससे आप क्या बता सकते हो कि जो मेरे पास येलो और व्हाइट, येलो मतलब बॉडी कलर और आई कलर, उन दोनों के जीन्स के बीच की डिस्टेंस कैसी होगी? कम डिस्टेंस होगी, लिंकेज ज्यादा होगा, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट बहुत कम बना, यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। फिर क्रॉस बी में देखो, पहले तो उन्होंने क्रॉस कराया, क्रॉस ए में उन्होंने लिया बॉडी कलर और आई कलर, क्रॉस बी में उन्होंने क्या ले लिया, बॉडी कलर और आई कलर, बॉडी कलर नहीं लिया, आई कलर और विंग्स, विंग्स यस। जब इन्होंने आई कलर और विंग्स के बीच में क्रॉस कराया, तो परसेंटेज देखो, अब परसेंटेज पैरेंटल 62.8 हो गया, रिकॉम्बिनेंट 37.2, इससे आप क्या रिजल्ट बताओगे? डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेस लिंकेज, डिस्टेंस ज्यादा होगा, बहुत कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब अगर मैं ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम की मैपिंग करना चाहूंगी, तो ऐसे कुछ होगा। एक जीन यहाँ पे, एक जीन यहाँ पे, और एक जीन यहाँ पे। ये फर्स्ट वाला जीन कौन सा होगा? बॉडी कलर, बॉडी कलर, दिस वन आई कलर, आई कलर, दिस वन विंग्स। तो जब आप बॉडी कलर और आई कलर में कराओगे, तो लेस रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, यस मैम, मैम। और जब आप आई कलर और विंग्स में कराओगे, तब मोर, और अगर आप बॉडी कलर और विंग्स में कराओ, तो वो भी मोर ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे, आई कलर और विंग्स से भी ज्यादा आपको रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, बस यस, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी आती है, उसी को हम उनके बीच की डिस्टेंस समझ लेते हैं, कि भाई दो जीन्स के बीच की यही डिस्टेंस है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराओ मैम, क्रोमोसोम वाला डायग्राम दिखा दो, ये वाला, यस यस मैम, चलो अच्छा अच्छा कर लो इसको, एक क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे। मैम हो गया मैम, हाँ जी मैम, कल ना मुझे रिपोर्ट कार्ड शेयर किया था, मतलब अवंती की तरफ से, तो मैम उसमें बायो में एक्यूरेसी मेरी 95% थी। ओके, अभी एक बार चेक कर लूंगी क्लास, अभी क्लास में एक एक के मार्क्स क्या कैसे कैसे रहे। मैम मुझे तो आए नहीं रिपोर्ट कार्ड, आपने अपना उसमें मेल आईडी के ना होता ना, मेल मैम मेल गलत तो नहीं शेयर कर रखा होगा? मेबी मैम, क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ए एंड बी जीन्स आर लिंक्ड, ए और बी जीन्स हमारे लिंक है, व्हाट शेल बी द जीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी, जीनोटाइप, प्रोजेनी मतलब जो नए ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा अगर आप इन दो के बीच में क्रॉस कराओ तो।
सोचो इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन करना हो. मैम वन रेशो थ्री फर्स्ट का. मैम वन रेशो थ्री फर्स्ट का सोचो. रेशो नहीं बताना बेटा, जीनोटाइप बताना. जीनोटाइप वो याद है ना, गैमेट्स कैसे बनाते थे हम लोग. थोड़ा सा उससे रिलेट करना इसको. गैमेट्स बनवाते थे, अलग अलग करके लिखते थे. अब जो लिंक्ड है उसको तो अलग अलग करके नहीं लिखोगे, उसको साथ साथ करके लिखो तब गैमेट्स बनवा दो. मैम वन रेशियो वन. मैम मेरे भी बायो में रिपोर्ट कार्ड में 95% ही है. वेरी गुड अर्चना. देखो बेटा समझो, ये बोल रहे हैं कि ए और बी जीन्स जो है वो लिंक है. जीनोटाइप बताना है आपको जब आप क्रॉस कराओगे किस किस के बीच में. ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे लिख लो अभी इसको. इनके बीच में क्रॉस कराना है. अब इनके बीच में क्रॉस कराओगे तो भाई गैमीट्स बनवाने पड़ेंगे. नॉर्मली मैं इसके गैमीट्स कैसे बनवाती इस वाले के, नॉर्मली ऐसे बनाती ना. इसको अलग अलग करके लिख देती, बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसे बनवाती. कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे बनवाती ना चार गैमीट इसके. यस मैम. है ना. अब ये बोल रहे कि भाई ए और बी तो लिंक है, ये लिंक है हमारे पास, ये दोनों लिंक है ये दोनों. तो भाई ये अलग अलग तो नहीं लिख सकती मैं इनको. नो मैम एक ही साथ. इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, बच्चे क्या कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. यही तो दो जीनोटाइप बन सकते हैं इस वाले केस में. देखो इस वाले केस में तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि भाई सिंपल स्मॉल ए स्मॉल है. अब करा दो क्रॉस. कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए इसका कराओगे. एक सेकेंड ऐसे थोड़े ना एक साथ लिखेंगे ना. ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी. तो जो नई प्रोजेनी बनेंगी वो ये दो प्रोजेनी बनेंगी. आया समझ? ये दोबारा करके दिखाओ. आ गया ना. बी वाला ट्राई करो. मैम दोबारा बता दो. चलो ये दो प्रोजेनी है मेरे पास. जैसे दिया है वैसे लिख लेता है. ठीक है. हम लोग नॉर्मल केस में क्या करते हैं, गैमीट्स बनवाता है बनवाएंगे. अब इसके गैमीट्स कैसे बनाएंगे जबकि ए और बी जो है वो लिंक है. तो इसका मतलब ए और बी को तो मैं अलग नहीं कर सकती.
फिर इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बचता है? सिर्फ यही तो कॉम्बिनेशन बचता है जब ये दोनों लिंक है तो अलग अलग नहीं करा सकती ये कॉम्बिनेशन. और यहाँ से यही मिलेंगे मेरे पास गैमिट्स, ये गैमिट्स बन गए मेरे पास, दीज आर द गैमिट्स. क्रॉस करा दो क्योंकि प्रोजेनी बनवानी है ऐसे. कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, किसके साथ क्रॉस कराना है? स्मॉल ए स्मॉल बी. क्या बना? ये दो प्रोजेनीज मिल गई. ओके बी वाला देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे सिर्फ गैमेट्स पूछ लिया. किस वाले केस में? इसके केस में. कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, वन टू थ्री, तीन हेट्रोजाइगस पेयर हैं, तो टू की पावर थ्री करके टोटल एट गैमेट्स बनवा देते थे हम या नहीं? लेकिन ए और बी क्या है? लिंक्ड है. ए और बी लिंक्ड हो गए तो टू की पावर कितनी बन गई? टू की पावर टू. तो मतलब टोटल कितने गैमेट बनेंगे? अब फोर गैमेट्स बनेंगे. अब फोर गैमेट कौन से बनेंगे? बनवा दो. एक तो कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. एक बच गया कौन सा? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी. भाई ए और बी को तो लिंक अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो तो लिंक है. अगर नहीं ऐसे बना पा रहे हो तो जो ऐसे नॉर्मल में बनाता है नॉर्मल वाले बना लो, जहां पे ए और बी अलग अलग हो जा रहे हैं उन वालों को कट कर दो, हटा दो उन वालों को वहां से. बाकी जो बचेंगे वो आपका आंसर रह जाएगा. यस मैम. आया सबको समझ? यस मैम. चलो अभी जरा लिंकेज से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. लिंकेज के क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे शायद. मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर किया था, इसमें से कुछ क्वेश्चंस बोले थे अराउंड शायद 70 समथिंग तक करने के लिए. मैम कर मैम नहीं करा आपने शेयर किया मैम. अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो बच्चों, आप लोग नहीं किया मैंने शेयर. मैम वो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का करा था बहुत पहले. देखो ये वाला पीडीएफ, इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे. मैम जेनेटिक्स का नहीं करा आपने शेयर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का करा था. जेनेटिक्स का नहीं करा. मैं आपको बता दूंगी कहाँ से आप लोग पीडीएफ्स निकाल सकते हो ताकि आप लोग. मैम वो तो आपकी लिंक पे है ना, भेजे थे मतलब ग्रुप में. मैम वो सही है ना, मतलब वो न्यू एडिशन है ना एमटीजी, इसलिए. मैम दोबारा बोलो क्या बोला आपने? मैम जो मैंने ग्रुप में एमटीजी के क्वेश्चन भेजे थे सेकंड चैप्टर के. मैंने नहीं. अच्छा वो उसके वो तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स थी ना शायद. यस मैम. देखे थे मैंने. मैम सही है ना? सही है सही है. क्वेश्चन नहीं दे रखे इन्होंने जबकि बहुत अच्छे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से. मेरी मैम के पास बुक है उसी से क्वेश्चन देते हैं. न्यूमेरिकल थे उसमें सारे जेनेटिक्स के. कौन सी बुक है उनके पास? मैम क्वेश्चंस की है, मतलब क्वेश्चंस ही उसमें लिखे है सारे. नाम होगा ना कुछ? नाम मैम कल बताऊंगी. ओके इससे बेटर तो एमटीजी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन. अच्छा एक चीज और करना आप लोग, मेरा वो जो लिंक ट्री है ना उसमें एक वो है डॉक्टर अली वाली बुक. यस मैम देखी है ना, उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व करना जरूर सबके. नहीं दे रखे छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करते.
ये हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा चार्ट. सिक्स डिटरमिनेशन. टाइम कितना बचा है? हाफ आवर बचे. चलो सिक्स डिटरमिनेशन कर लेते हैं, फिर एक साथ ही क्वेश्चंस करा दें. मैम मैं करता हूँ, मैं एमपीजी में से नहीं करता हूँ. क्या बेटा आपने अभी क्या बोला? मेरे पास क्वेश्चंस थे इसके. अच्छा चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का है, मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में कराना भूल गई थी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लेकिन अच्छे क्वेश्चंस क्वेश्चंस भी नोट करते हो आप लोग या सिर्फ आंसर आंसर लिख लेते हो? क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन लिखना, बिकॉज नोट्स रिवाइज करोगे ना हेल्प मिलेगा. ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएगा. नेक्स्ट क्लास से ना क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ना निकाल के लेके आया करो. इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन. मैम ए ए स्मॉल बी है. कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी. यही है. हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर टेकन एज स्पैन फॉर एफ. ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसको ना बाद में ट्राई करना, बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम लोगे आप लोग सॉल्व करने में. ट्राई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा. फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लो, फिर सेक्स डिटरमिनेशन में तो 10 मिनट लगेंगे टॉपिक. मैम 45 ग्राम होगा. बाकी लोगों का आंसर एग्जैक्टली दीपक 45 नहीं बेटा 40 ग्राम होगा, क्योंकि देखो मैक्सिमम 60 ग्राम है. तो मैक्सिमम 60 ग्राम का मतलब डोमिनेंट 6 के 6 होंगे तब 60 ग्राम होगा, है ना. और मिनिमम 30 है. मिनिमम का मतलब भाई 0 डोमिनेंट होंगे तब 30 ग्राम होगा. तो 30 से ऊपर चले जाओ 35 ग्राम 40 ग्राम
45 ग्राम, 50 ग्राम एंड 55 ग्राम. 0 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 3, 4, 5, 6. कितने डोमिनेंट में पूछा? 1 और 2. 2 डोमिनेंट में 40 ग्राम आंसर हो जाएगा. हिडन ट्रायल वाला क्वेश्चन था ये. यस मैम. चले नेक्स्ट टॉपिक पे. यस मैम. अब आ जाते हैं टॉपिक पे, सिक्स डिटरमिनेशन. इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है बच्चों. तो सिक्स डिटरमिनेशन में बच्चों अगर हम बात करें, 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर, एक नॉन एलोजोमिक क्रोमोजोम्स बनते हैं, एक बनते हैं एलोजोमिक क्रोमोजोम. मतलब सेक्स डिटरमाइन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं. या तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल डिफाइन होता है, या फिर उसके पास नॉन एलोजोमिक. नॉन एलोजोमिक का मतलब ऑटोजोम्स ना, और एलोजोमिक का मतलब सेक्स क्रोमोजोम्स. तो हमारे पास 3 चीजें हैं, या तो एनवायरमेंट डिफाइन करेगा मेल बनेगा फीमेल, या ऑटोजोम्स डिफाइन करेंगे मेल बनेगा फीमेल बनेगा, या फिर सेक्स क्रोमोजोम डिफाइन करेंगे. अब एनवायरमेंट किस किस के अंदर डिफाइन करता है? एनवायरमेंट डिफाइन करता है क्रोकोडाइल में या फिर टर्टल के अंदर. टर्टल, इन दोनों के अंदर क्या होता है मैम? लिजार्ड के अंदर भी तो होता है. लिजार्ड के अंदर भी होता है. क्रोकोडाइल के अंदर अगर हम लोगों को फीमेल बनाना है तो टेम्परेचर लो होगा. लो टेम्परेचर में मोस्टली फीमेल्स डेवलप करेंगी, और हाई टेम्परेचर में मेल डेवलप करेंगे. टर्टल में भी लो टेम्परेचर पे में उसको लो नहीं, अप्रोक्स टेम्परेचर ये लिखता है हमारा 33 डिग्री सेल्सियस अराउंड टेम्परेचर होगा तो फीमेल, और मेल के लिए चाहिए होता है 28 डिग्री सेल्सियस. ऑटोजोम्स किसके अंदर डिफाइन करता है? मेज. मेज के अंदर आपका ऑटोजोम्स डिफाइन करता है, क्योंकि इनके जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? वो ऑटोजोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है. अब आते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स में. सेक्स क्रोमोजोम्स के अंदर भी 3 केसेस देखने के लिए मिलते हैं, या फिर तीन नहीं, इसको 2 केसेस में लिख लो. एक केस होता है जहां पे मेल हेट्रोगैमिटी देखने के लिए मिलती है. मेल हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक समझते हो ना, दोनों के दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के. यस मैम. फिर फीमेल हेट्रोगैमेटिक, नहीं एक बार मेल हेट्रोगैमेटिक, एक बार फीमेल हेट्रोगैमेटिक. मेल हेट्रोगैमेटिक में एक्सएक्स एक्सवाई, XX is female, XY is male. किसके अंदर देखा जाता है ये? और ड्रोसोफिला के अंदर. एग्जैक्टली. एक और केस XX और XO. XO का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एबसेंस ऑफ वन क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम की एबसेंस होगी. तो ये मेरे पास क्या होता है यहाँ पे? मेल होता है. ये केस किसके अंदर देखने के लिए मिलता है? ग्रास होपर एंड कॉकरोच. कॉकरोच 11th class में पढ़ा है? यस मैम. अच्छा आप लोगों को आपके टीचर ने अर्थवर्म और फ्रॉग भी पढ़ाया है? यस मैम. अर्थवर्म नहीं, फ्रॉग पढ़ा है. अर्थवर्म भी पढ़ाया मैम, पढ़ाया अर्थवर्म.
ZW और ZZ, ZW यहाँ पे फीमेल है, ये मेल, ये वाला केस, ये बर्ड्स में देखो, बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स, एंड दिस वन बटरफ्लाई एंड मॉथ, लिखो उसको। मेल हेटरोगैमेटिक से क्या मतलब है इसका? मेल हेटरोगैमेटिक का मतलब है मेल के जो क्रोमोसोम्स है ना दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। ओके मैम, फीमेल के फीमेल में अलग अलग होंगे। हाँ, फीमेल हेटरोगैमेटिक में फीमेल के अलग अलग होंगे, मेल के होमोगैमेटिक होंगे। देख रहे हो ना यहाँ पे फीमेल हेटरोगैमेटिक है, मेल होमोगैमेटिक है। इन वाले केसेस में मेल हेटरो का मतलब है यहाँ पे फीमेल है, मतलब एक ही क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम की एब्सेंस है, इसको हेटरोगैमेटिक बोल रहा है। ये हमारे पास ये फीमेल है, डन। चलो फिर अटेंडेंस दे दो जल्दी जल्दी से सब। मैम हो गया, चैप्टर में भी तीन दिन अराउंड 3 से 4 दिन और लगाएंगे। मैम एक बार एनवायरमेंटल वाला देखो, एनवायरमेंट में ये होगा कि बेटा आपका जो टेम्परेचर के बेसिस होगा ना उसके बेसिस पे डिफाइन होगा कि मेल बनेगा फीमेल बनेगा। नोट्स भी होता है क्या? जेनेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है बच्चों जिसको जितना चाहो उतना डिटेल में पढ़ोगे ना उतना ही इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो जेनेटिक्स वाला फियर नहीं रहेगा किसी को। साक्षी सिन्हा है क्लास में? यस मैम। प्रियांशु पाल? यस मैम। अनुष्का? प्रजबोध? मैम अनुष्का प्रेजेंट है। दीपक? प्रेजेंट है। राधिका? राधिका प्रेजेंट मैम। त्रेशी? मुस्कान? प्रेजेंट मैम। अर्चना? प्रेजेंट मैम। गुंजन? लक्ष्मी कुमारी? अनुष्का दुबे? कोमल? यस मैम। जुनेद? निशा? यस मैम। आयुष बंसल? संदोष? वंदना? ओम बरुआ कल आया था ना नया स्टूडेंट। इसके अलावा और कोई स्टूडेंट रह गया जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? हमारा नाम नहीं लिया, हैंड रेज करो जी जिसका रह गया। कल की क्लास में नहीं आए होंगे? मैम मैं आई थी कल की क्लास, लेकिन एक सेकंड, हैंड रेज करके रखना, मैं लगा दूंगी सबकी, आप लोगों की। कल की क्लास में अर्पिता आपकी एब्सेंट लगी हुई है मैम, वो मेरा नेट मतलब खत्म हो गया था ना तो अपने आप ही बंद हो गया ये। मैम मेरी मैं क्या है बीच में चले गया था, मतलब लास्ट में। एक सेकंड रुको, अर्पिता की हो गई और नितिका कल नहीं आए थे आप? मैम आई थी, बस नेट चला गया था लास्ट में, यही तो प्रॉब्लम है ना। चलो और कौन है? नितिका, अर्पिता, आप दोनों का हो गया। वंदना, लुबना, वंदना की लग गई है,
प्रेजेंट लुबना की भी लग गई है। निशा फतमा नहीं आई। जागृति, जागृति आपका रजिस्टर्ड नाम जागृति ही है? यस मैम। लिस्ट में तो नहीं दिखा रहा बेटा। अच्छा मिल गया जागृति कश्यप। कल नहीं आए थे आप? यस मैम, कल फीवर हो रहा था। ओके और तो कहीं नहीं रहा? आयुष बंसल, नितिका, मेघा आपका रजिस्टर नाम मेघा ही है? यस मैम। कल नहीं आए थे? नो मैम। ठीक है। और गुंजन, गुंजन किधर लग गए? मेघा का भी हो गया। अच्छा आप लोग सभी एक सेम ही स्कूल से हो, अलग अलग स्कूल से हो सब? मैम सब अलग से हैं। हम अलग अलग स्कूल से हैं।